गोला थाना क्षेत्र के रतनपुरा बालूघाट के ठेकेदार से 10 लाख की रंगदारी मांगने की घटना में शामिल 15,000 के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान अजीत यादव पुत्र रमाकांत यादव निवासी राजीव नगर थाना खोराबार के रूप में हुई है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बालू ठेकेदार से रंगदारी मांगने के आरोप में कई आरोपियों की गिरफ्तारी पहले भी की जा चुकी है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा ये रंगदारी वसूली का मामला था। पुराना एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें 10 लाख की रंगदारी बालू ठेकेदार से मांगी गई थी। उसमें अन्य अभियुक्त पहले पकड़ के जेल जा चुके थे। 15,000 का इनामिया ये अजीत यादव, जिसे क्राइम ब्रांच की टीम ने काफ़ी प्रयास करके इसे गिरफ्तार किया है और इसे गोला की टीम से इन्होंने सपोर्ट लिया था। इसके साथ और भी अपराधी थे, जो अपराधी काफ़ी पकड़े जा चुके हैं। एक रामजीत जो था, इसका मेन जो साथी था, वो जो कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अभी एक अपराधी और बाकी है इससे। इन पे पूर्व में और कोई दो मुकदमे हैं इन्हीं पे, और कोई पहले के और मुकदमे नहीं है इस पहले इसके। हाँ, एक और पहले की यही घटना, इस पे पहले और नहीं।